हिमाचल प्रदेश में दो दिन से बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। वीरवार यानी आज भी प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जमकर मेघ बरस रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई है। रिज पर पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। धर्मशाला के मैक्लोडगंज, धर्मकोट, भागसुनाग, नड्डी और डल आदि में भी बर्फबारी हुई है। दो माह के सूखे के बाद मौसम की मेहरबानी से किसान, बागवान और पर्यटन कारोबारी खुश हैं। अपडेट के अनुसार बर्फबारी के चलते प्रदेश में 6 NH सहित 241 सड़कें ठप हो गई हैं। सबसे ज्यादा बर्फ लाहौल स्पीति में पड़ी है। परिणाम स्वरूप लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 2 नेशनल हाईवे समेत 139 सड़कें बंद हो गई हैं। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 677 विद्युत लाइनें प्रभावित हुई हैं। चंबा में सबसे ज्यादा 237 बिजली लाइन ठप हो गई है। शिमला के कुफरी और नारकंडा, खड़ा पत्थर सहित लगभग सभी जगह बर्फबारी हो रही है। मनाली, रोहतांग, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, धर्मशाला, धौलाधार, सिरमौर, मंडी के ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है।